नमस्कार, मैं संदीप कुमार। इस समय हम भिवंडी पश्चिम के विधायक महेश चौगले जी के जनसंपर्क कार्यालय के बाहर है, जहां आपको बता दें कि आज महेश चौगले जी के माध्यम से एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। इस पत्रकार परिषद में विशेष तौर पर आपको बता दें कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका और प्रधानमंत्री आवास योजना का एक प्रकल्प जो है भिवंडी शहर में लाया गया था, जिसमें 6000 से भी अधिक घरों का निर्माण किए जाने वाला था। जिसमें हम आपको बता दें कि विधायक महेश चौगले ने पत्रकार परिषद का आयोजन कर उसमें एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि इस योजना में एक बड़ा भ्रष्टाचार होने वाला था। वो भ्रष्टाचार क्या था, विधायक महेश चौगले जी हमारे चैनल से बात करेंगे और वो पूरी बातें आप सभी के समक्ष रखेंगे। क्या कहा विधायक महेश चौगले ने, आज सुनते हैं। सर, आज की पत्रकार परिषद किस विषय पर? जो भिवंडी में जो महापालिका की अपनी जगह एक आवास योजना के नाम पे देने का जो प्रपोजल इतने सालों से चल रहा था, तो वो जगह गए टाइम पे वो जगह में बहुत सारे यानी त्रुटि थी। एकदम कोई राजनीति या कोई राजनीति हो रही थी और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा था। उसके कारण हम उसका बार बार विरोध कर रहे थे। अपनी खुद की जगह भिवंडी महापालिका 5% के इसमें दे रही थी। पहले तो हम उसको कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दे रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे देना और उसको अपन पैसा अदा कर रहे थे। तो पैसा अदा करने का महापालिका की इतनी ताकत थी क्या? कुछ ताकत नहीं थी। कॉन्ट्रैक्टर एक भ्रष्टाचार हो रहा था, कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा बांधता, उसको पैसा हम दे नहीं सकते और वो चला जाता था। उसके बाद ऐसा हुआ क्या, महा विकास आघाड़ी की सरकार आई। महा विकास आघाड़ी सरकार ने प्रपोजल वो पेंडिंग पड़ा था, वो रद्द था, लेकिन उसको फिर जिंदा करके गलत तरीके से जिंदा करके उसको फिर भेजने बोला और महापालिका को 5% देने की बात की, वाणी 5% देने की बात की इसमें। तो हम इतना चाहते थे, हम तो विरोध क्यों कर रहे थे कि अपनी खुद की जगह रहती है तो अपन कैसा करते, अपन डेवलपर को बुलाते क्या? 40-60, 50-50 ऐसा कुछ तो रेशू ठहराते। तो हमारी खुद की जगह हम उसको 40 हम उसको 5% से देंगे, इसका हम विरोध करते थे। लेकिन आज वो विरोध हमारा सक्सेस हुआ, क्योंकि हमको एक ये सरकार से न्याय मिला है। क्योंकि भिवंडी वासियों को जो अपनी खुद की जगह है उसमें कमर्शल अपने को 10% और लाभार्थियों को घर अपने को 30%, यानी 40% अपने को म्हाड़ा अभी दे रही है। तो ये अच्छा निर्णय एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री जी ने, देवेंद्र जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने जो अच्छा निर्णय जो दिया है, हम उनका स्वागत करते, उनका आभार करते, पूरे भिवंडी वासी उनका आभार करते। क्योंकि उसके बेस पे आज हमको कुछ उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि हमारी चीज़ हम भाड़े से देंगे या कुछ करेंगे तो हमको उत्पन्न होगा। और महापालिका की जो हालत है, क्या कॉन्ट्रैक्टर को पैसा नहीं दे सकते, कोई ठेकेदार को अपना घंटा गाड़ी वालों को पैसा नहीं दे सकते, पगार अपने कर्मचारी को पगार नहीं दे सकते, तो वो हालत थोड़ी कम होगी। इसके लिए आज हम सब दोनों, हमारे उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री, हम दोनों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें जो लाभार्थी रहेंगे, जो घर लेने वाले रहेंगे, तो उनको क्या म्हाड़ा डायरेक्ट देगी या लॉटरी सिस्टम रहेगा, क्या उसका? म्हाड़ा को जो 60% जाएगा वो उनके हिसाब से वो म्हाड़ा लॉटरी सिस्टम से देगी। लेकिन जो भिवंडी को, जो अपने लाभार्थी को जो आएगा 30%, वो हम हमारे हिसाब से हम देंगे। सर, ये जो प्रोजेक्ट है कब तक की शुरुआत होगी, क्योंकि देखा जा रहा है अभी तो उसका ये हुआ, उनका पूरा प्लान आएगा और तब आहिस्ता आहिस्ता ये होना चालू हो जाएगा। क्योंकि वो तो प्रोजेक्ट सामने वाले को जिसको दिया था वो भी तो भाग गया था पहले, वो भी उसका पैसा मांग रहा था, वो भी कोर्ट में था। लेकिन आज ऐसा नहीं, वो जो पेंडिंग नहीं पड़ा उसमें जान आ गई है, अभी उसकी शुरुआत हो गई है। ये प्रोजेक्ट कहाँ पर होगा भिवंडी शहर में? ये चाविंद्रा पोगाव के हद्दी में, जिधर अपन डंपिंग ग्राउंड है उसके हमें अपनी खुद की जगह है, वो जगह पे होगा। कितने मकान वहाँ पे बनेंगे और कितने जो कॉर्पोरेशन को मिलेंगे? उसमें 6060 मकान बनेंगे, उसमें से 40% कॉर्पोरेशन को मिलेंगे।